नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर प्राइम टाइम इस पेशकश के साथ में। मैं हूं आपके साथ में रत्नाकर और मेरे साथ में इस वक्त है इमरान। इमरान, फिर से एक बार आपका स्वागत है एनबीसी की पेशकश प्राइम टाइम में। जी हाँ, सारे दर्शकों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कोरोना की स्पेशल खबरें आपको घर बैठे बताते हैं। जी बिल्कुल, और हम आपको ये भी बताते हैं कि आज इस कोरोना नामक COVID-19 नामक बीमारी से लड़ने का एकमात्र उपाय जो है वो ये है कि हम अपने घर में बैठे रहे, खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी बीच हम आंकड़ों की ओर नजर डालते हैं। 15,000 के ऊपर जो है पूरे भारत देश का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। जी हाँ, और महाराष्ट्र की बात करें तो 3600 करीब आंकड़ा बढ़ गया है। 3600 लोगों का शनिवार रात की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं जी, 3600 हो चुका है। वहीं नागपुर की बात करें तो बहुत एक चिंताजनक एक स्थिति है, स्थिति बनी हुई है। रविवार सुबह एक न्यूज आई जिसमें पता चला कि 9 क्वारंटाइन किए हुए लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी के साथ नागपुर के जो पॉजिटिव आंकड़े हैं वो हो चुके हैं 72। 72 इस वक्त के आंकड़े हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात जरूर है हमारे नागपुर वासियों के लिए, लेकिन हम इस आंकड़ों को यही रोक सकते हैं अगर हम आज भी अपना ख्याल रखें, हम घर में बैठे रहें और इसको फैलने से अगर रोकने के लिए हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को अगर समझें तो नागपुर के आंकड़े उसके साथ में महाराष्ट्र और देश के आंकड़ों में भी फर्क पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आपको बता दें कि अगर आज रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी अपना एक बयान दिया, उसमें उन्होंने बताया कि अगर हम कल उन्होंने सैटरडे को उन्होंने डॉक्टरों से बात की, उनका कहना यही था अगर पेशेंट अगर खुद होके जल्दी आए तो ठीक हो सकता है, मगर कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो लास्ट स्टेज पर आते हैं जब उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी डेट हो चुकी है। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं उनकी डेथ होने के बाद में उनके मरणोपरांत ये पता चला है कि उस व्यक्ति को कोरोना से वो ग्रसित थे और इस बीच उन्होंने अपने साथ में कई लोगों को जो है इस बीमारी के चपेट में बाकी के लोग भी उस व्यक्ति के संपर्क में आने से हो चुके हैं। यही एक नागपुर के जो केस है सतरंजीपुरा निवासी, उनके साथ में भी यही हुआ है और आज वो आंकड़ा एक व्यक्ति के संक्रमण के साथ में 25 तक पहुंच गया है। जी हाँ, 25 के आसपास वही एक चेन जो चेन तोड़ने की बात बीच में चल रही थी, बीच में जब 14 में आके आंकड़ा लटक गया था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, मगर पिछले कुछ दिनों से जैसे इस तरह से बढ़ रहे नागपुर में आंकड़े तो ये थोड़ा सा एक चिंतादायक विषय है। और एक थोड़ी अच्छी खबर भी बता दूं कि बीती शनिवार को एक पेशेंट की कोरोना से मुक्ति भी हुई, मतलब वो ठीक हो चुके हैं, वो कोरोना की बीमारी से फ्री हो चुके हैं और उनको घर जाने की इजाजत भी मिल चुकी है। नागपुर के आंकड़ों की बात करें तो टोटल 15 व्यक्ति जो है वो अपने घर जा चुके हैं, उनको कोरोना से फ्री घोषित किया जो कि पॉजिटिव थे, एक व्यक्ति की इसमें जो है वो मौत हो चुकी है। जी हाँ, और इसी कड़ी में जो पेशेंट जो एक व्यक्ति था जिसे कोरोना से मुक्ति की थी उसको घर भेजा गया, तो उसने कुछ सोशल मीडिया में एक विवादास्पद कुछ अपने आपत्ति पोस्ट किए। जी हाँ, उसको मतलब उन्होंने कहा कि हमें था ही नहीं, ऐसे एक मामला मुंबई में भी आया था तो उनको फिर से क्वारंटाइन के लिए एमएलए हॉस्टल रखा गया है। जी हाँ, वो उस व्यक्ति की पर्टिकुलर व्यक्ति की जो आप बात कर रहे हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो डिस्चार्ज लिया था वो भी एक ऑथेंटिक तरीका नहीं था। रात के कुछ 10 बजे उस व्यक्ति ने जोर जबरदस्ती के कर्ज के चलते मेडिकल से उन्होंने एग्जिट किए जो कि कानून व्यवस्था के खिलाफ है, तो प्रशासन की ओर से उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो उनको फिर से क्वारंटाइन किया जाए। जी हाँ, उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ है, जब क्वारंटाइन का समय खत्म हो जाएगा तो उनको पुलिस स्टेशन में देखिए, ये जो हम सख्ती की बात कर रहे हैं, प्रशासन द्वारा जो सख्ती बरती जा रही है वो सख्ती बरतने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी तब पड़ती है जब आप उस प्रशासन का या उस सिस्टम का आप सम्मान नहीं करते या उस सिस्टम को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करते हो, या आप अगर आप देखोगे कि हर अगर आप अभी न्यूज़पेपर जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी खबरें दिखाई जा रही है उसमें आपको पुलिस पकड़ रही है, दंड बैठकें आपसे लगवा रही हैं, कई बार डंडे पड़ रहे, ऐसा करने की नौबत क्यों आनी चाहिए प्रशासन के ऊपर में? जी हर जिलों में कुछ रहते हैं, कुछ एक ऐसा तबका रहता है जिनको शायद इस सीरियसनेस का बिल्कुल पता नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल बेवजह बाहर निकलते हैं और डंडे खाते हैं। जी बिल्कुल इमरान, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज सुबह हमारे अपने मोहल्ले की बात है, वहाँ पर कुछ जो यंग क्राउड था
8-10 लोग वहाँ पर मंदिर के सामने में जमा थे, आपस में मस्ती कर रहे थे, तो मजबूरन एक जिम्मेदारी का एहसास उनको दिलाने के लिए फिर रुकना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी, उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी, थोड़ा सा डर भी दिखाना पड़ा कि ये सही नहीं है, आप एज अ यंग जनरेशन आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, तो इसका ज़रूर हम ख्याल रखें। जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों के सुरक्षितता का ध्यान रहे, जो भी यंग एज जनरेशन है जो घर में बैठे बैठे कुछ कुलबुला रहे होंगे उन्हें आप घर के अंदर में बिठा के रखिए। इन विषय के माध्यम से हमने हमारे पिछले प्राइम टाइम में भी पेशकश की जी थी कि आप अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, नंबर आपके पास में ज़रूर है 9130005662 जिस पर आप अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। एक डांस कंपटीशन की भी हमने बात की थी, उसके प्रोमोज भी आप पर के पास में आएंगे। डांस की मस्ती कीजिए, उसके वीडियो शेयर कीजिए, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें कीजिए जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो, अपने परिवार का एंटरटेनमेंट हो। सिर्फ ये लड़ाई है और ये लड़ाई एक ऐसे दुश्मन के साथ में है जो दुश्मन दिखता नहीं, दिखता नहीं है। और वो हमारे घर के अंदर में कितना इंटर कर चुका है, कितना हमारे जहन में घुस चुका है, कितना हमारे परिवार को इसने खराब कर चुका है, इसका अंदाजा आप इनिशियल स्टेज पर नहीं लगा सकते। यही वक्त है कि हम अपने आप को संभालें, इसको हमारे भीतर, हमारे परिवार के भीतर, हमारे अपने लोगों के भीतर और खुद के अंदर आने को रोकने के लिए आज प्रिकॉशन और हम अपने घर में बंद रहे और घर से बाहर ना निकले, यही सबसे अच्छा और जालिम उपाय जो है नजर आ रहा था। बढ़ते हुए आंकड़े इस बात को से आगाह करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको अपनी जिम्मेदारी को इस वक्त तो भी समझना होगा। जी हाँ, नागपुर पुलिस की तरफ से इस जिम्मेदारी को समझने के लिए, समझाने के लिए वार्ड वार्ड पद्धति में कोविड योद्धा, जी जी हाँ, कोविड योद्धा नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसमें एक वार्ड के ना जो सोशल नागरिक बिल्कुल है, उनमें जो एक नागरिक लोग हैं, जी हाँ, उनको कोविड योद्धा की टोपी दी जाएंगी और उनको उनके हक दिए जाएंगे और वो अपने एरिया को, जी हाँ, वो अपने एरिया में जन जागृति कर सकते हैं, उन्हें कुछ अधिकार भी प्राप्त होंगे जिसके चलते वो अपने जो गली मोहल्ले में जो आवारा गर्दी करते हुए लोग हैं, जहाँ अननेसेसरी अनावश्यक चीज़ों के वजह से वो झुंड बना के बैठे, उन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार से भी प्रदान उनको किया जाने वाला है। ये प्रशासन की ओर से एक व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की ओर से की जाने वाली व्यवस्था के अलावा एक व्यवस्था हमारे भीतर भी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर होना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, इमरान मुख्यमंत्री हाँ। जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत अच्छी बातें आज जनता के साथ में शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि ये स्थिति जो है इसमें हम लोगों को संभलना चाहिए। पर प्रांतवासियों के लिए भी उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उनको ढाढ़स बंधाया है, भरोसा दिलाया हुआ है कि जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा वो पहली व्यवस्था कराएंगे कि वो अपने घर तक जा सके और अपने परिवार के साथ में मिल सके। लेकिन जब तक वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मेहमान है, सारी व्यवस्था जो है प्रशासन, महाराष्ट्र प्रशासन उनके लिए कर रहा है। जी हाँ, जैसे भी है, जहाँ भी है, सुरक्षित रहे और भाई अच्छे से रहे, एक मैसेज दे अपने परिवार को कि हम जहाँ पे भी हैं महाराष्ट्र सरकार हमारा अच्छे से ध्यान रख रही है और खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो रही है देश में और राज्य में। मुख्यमंत्री जी ने और कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य में कुछ जिले ऐसे भी है जो ग्रीन जोन में, जहाँ एक भी अभी तक आंकड़ा नहीं आया, और ये अच्छी बात है। जी हाँ, ये बहुत काफी अच्छी बात है। और उन्होंने कुछ कहा कि 20 तारीख के बाद कुछ जिलों में कुछ सहूलत देने वाले हैं, मगर एक बात उन्होंने गौर करते हुए वो कहा कि ट्रेन, रेलवे और पर्सनल कोई भी वाहन जो भी बिल्कुल शुरू नहीं होगा, जो भी वाहतूक व्यवस्था है उस वाहतूक व्यवस्था वो सिर्फ और सिर्फ सामान ढोने के लिए होगी, कोई भी उसमें व्यक्ति शाह कोई भी उसमें आवाजाही नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोई भी व्यक्ति ट्रैवल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो जरूरी हो, सिर्फ सामान जो है, जो जीवन आवश्यक वस्तु है, उसका आवागमन जरूर होगा। अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो न्यूज़पेपर के लिए भी उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर प्रिंट हो सकते हैं मगर डोर टू डोर हॉकर्स नहीं बांटेंगे। जी हाँ, उन्होंने अपने भाषण में यह भी विशद किया है कि आप न्यूज़पेपर जरूर प्रिंट कीजिए, चौक में, गली मोहल्ले में, दुकानों में आप उसको वितरित कीजिए जहाँ पर व्यक्ति ले जाके खरीद सकता है और अपने घर में ले जा सकता है। इससे एक चीज ये भी होगी कि कंटेमिनेशन का जो एक प्रवाह है, क्योंकि वो कई दौर से गुजरता है न्यूज़पेपर, तो उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी और मन के अंदर की जो एक डर है
तो उस डर से भी हमको निजात मिलने के आसार इस पर है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं ये नहीं कहा कि हम न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को रोक रहे हैं या इसका प्रिंट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था का जरूर उन्होंने कहा कि एक सिस्टम से उसका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि रेड और ऑरेंज जोन में जो जिले स्तर पे कुछ सुविधाएं, कुछ उद्योग शुरू होने वाले हैं, उनका जिक्र उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो ऐसी अधिसूचना जाहिर हो जाएगी। और रेड जोन वाले सिटी में फिलहाल तो कुछ ऐसी छुटकारा कोई नहीं है, संभावना नहीं है नहीं। कि रेड जोन एरिया है जिसमें नागपुर भी शामिल है। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि नागपुर भी इस वक्त बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ में रेड जोन में है, और यहाँ पर आने वाले समय में अगर व्यवस्था सुचारू रूप से करना है तो अभी और थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा 3 मई तक किया गया लॉकडाउन को भी उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा कि ये इस वक्त की आवश्यकता है, कोई नहीं चाहता है कि घर में बैठा जी रहिए। एक बहुत ही तकलीफ देने वाली स्थिति होती है जब आप और हम घर में बैठे होते हैं, कुछ भी करने को नहीं होता है, लेकिन आज जान की बाजी हम लोगों की जो है लगी हुई है, तो इसलिए जान है तो जहान है, इस वाक्य को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जान का और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हमारे साथ में हमारे परिवार का और देश का और सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। शहर की बाकी खबरें हम आपको हमारे चैनल थ्रू बीसी न्यूज़ शुरू बताएंगे। आप घर पे ही रहें और हम बाहर जाके शहर में क्या हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, हम जब भी हम बाहर निकल रहे हैं हम पूरी तैयारी के साथ में निकल रहे हैं। हमारे खुद को भी हम लोग अपना ध्यान रखते हैं, हमारी पूरी टीम का ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज होकर ही निकलते हैं। इसी तरह से हमारा बाहर निकलना भी इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको ताजा स्थिति से हम लोग अवगत करा सके। फिर से एनबीसीएन के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप घर में बैठे रहें, अपने कुछ चुलबुले वीडियोस हमारे साथ में जरूर शेयर करते रहें, डांस के वीडियोस जो है वो भी आप हमारे साथ में शेयर करते रहें। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश है, घर में रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना की लड़ाई है, COVID-19 की लड़ाई है, ये देश, ये नागपुरवासी और हम एज अ टीम जरूर जीतेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। नमस्कार।